चलो मॅप जर हागला ना तर लय मारणार तुला. जय श्रीराम महादेव. जय बोले. स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए व्लॉग में. तो आज हम जा रहे हैं गणपतिगढ़ जो कि है हमारी लोकेशन से 87 किलोमीटर दूर. और दोस्तों इस ट्रैक का बेस विलेज है सोनावले. तो यहाँ पर आने के लिए आपको मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट व्हीकल ही यूज़ करें क्योंकि यहाँ पर आने के लिए गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है. फिर भी आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ही है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले कल्याण स्टेशन तक आइए, फिर वहाँ से आप मुरबाड़ जाने के लिए कोई भी एसटी पकड़ लीजिए. जैसे ही आप मुरबाड़ उतरेंगे वहाँ से आपको और एक एसटी पकड़नी है दसई के लिए. और जैसे ही आप दसई पहुँच जाएंगे वहाँ से आपको और एक प्राइवेट व्हीकल या फिर रिक्शा करनी पड़ेगी सोनावली जो कि है बेस विलेज वहाँ पहुँचने के लिए. तो दोस्तों गणेश जी ने रास्ता चुका दिया है और बोल रहे इधर से ऐसा दिखा रहे ऐसा बता नहीं रहे लेफ्ट है कि राइट है. गाली नहीं दे रहा है. मैं भूल गया. चलो चलो बीप ज्यादा डालना पड़ेगा. अभी से पूरा व्लॉग सिर्फ बीप से ही भर जाएगा. मैं बोला ना ये गाने को मैप देना मतलब बंदर के हाथ में तलवार देने जैसा है. एक ही जगह पे भाई ने दो बार घुमाया है इधर से लेफ्ट इधर से राइट. आता मारता हूं कुल्लू में गाइस. करे तो क्या करें हम. विपुल बोल इसने क्या किया. अरे विपुल को बोला ब्रिज के ऊपर से जाना है. अपन जिधर रुके थे ना वो मेरे को लग रहा है सीधा सीधा रहेगा. चालू चाहे कुठे चल 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 वो साइड दे क्या. अच्छा हाँ हाँ नीचे से पटरी तो गई थी. खाली पकड़ गाने को पहन दिया. मजा आया. पर मजा आया ऐसी चल रही है. हम ही रेनकोट पकड़ रहे हैं. चलो इधर से भगवान हमारे साथ है. अभी अभी बोला इधर से. अभी बोलते इधर से भगवान भाई तेरे साथ है हमारे साथ नहीं है. हमको तू लेके आया है. हम तेरे भरोसे आए. मैं भगवान के भरोसे आए. ये फंसाएगा. टिकट ना बोलता था. हक दिया. अभी चाय पी रहे. अभी विपुल जी बोल रहे हैं उन लोग का सर दुख रहा है और फोन गिरा दिया है. कैसे गिरा है दिखा रहे. और एक बार गिरा के दिखा कैसे गिरा. गया क्या. दो A few moments later. तो वापिस मैप देखना पड़ेगा. ऐसे लोगों को लेके घूम रहे जिसको साला हर 5 मिनट में मैप देखना पड़ता है. नास्ते के बीच में भाग रहा है. ए गन्या राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो. चलो हाँ हरिचंद्रगढ़ का रिव्यू करते हैं. गणेश जी अपने भाई को बिस्किट दे रहे. गणेश जी के हाथ को दांत लगा है. अभी गणेश जी को रेबीज होगा. सच में लगा. अरे दांत उसका है. नहीं रे. अरे रेबीज का लगाना पड़ेगा भाई. गणेश को रेबीज होगा. अभी तो 3 लगता है कि नहीं गणेश. डर लग रहा है. दांत लगा ना. घासला रे. फक्त घासला है ना. मग काय नाही होत. माझ्या आधीच नके हेत ना. चुप लाव ते. अग भाई ये तो ऑफ रोडिंग और ट्रेकिंग एक साथ करवा रहा है ना. सीधा लेके डूबेगा मिट्टी. स्कीम बाल रहा है. गया. साला लद्दाख का ऑफ रोडिंग हो गया भाई. इधर ही हम लोग का. ये देखो इधर से मालूम लगा. नहीं तो इसी रास्ते से उधर से. और हमारा मतलब ये देखने हालत देखो.
ऐसे ही घुस गए होटल के अंदर, उधर गाड़ियाँ लगाई है आंटी अभी हम बस गर्मा गर्म वड़ा पाव देंगी। और सबका हालत खराब हो चुका है, ठंडी से कुड़कुड़ रहे सब लोग। इसको देखो, ये देखो पूरा गीला हो चुका है। बस मैं बचा हूं और ये बचा है। ताड़पत्री पहन के आया बंदा, जादू। नहीं नहीं क्या दादा, अच्छा हमारे लिए रुके हो, पढ़लो तो हम ही पढ़ूंगा। तो दोस्तों वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं लद्दाख का, इधर ही हो गया वाटर क्रॉसिंग, हो गया इधर भी हो गया, और हम पहुंच गए सोनावले में। फाइनली ट्रैक स्टार्ट किए और चालू करते करते ही जूते के अंदर पानी चला गया, पूरा भीग गया। बाकी गैंग उधर है, अभी हमने एक गाइड लिया और गाइड ने कुछ 600 बोल रहे थे और हमने 500 रुपये में डन कर दिए, क्योंकि दूर भी है और अभी हम लोग को यहाँ तक आने में ही लेट हो गया। ये लोग बहुत टाइम पास करते करते हैं। तो जिधर अच्छा स्पॉट दिखा, रुक जाओ भाई फोटो लेते, रुक जाओ भाई वीडियो लेते, ऐसा कर करके कम से कम 90 किलोमीटर को आने के लिए हम लोग ने 4-5 घंटा का लाया। ये देखो 2 बज रहे घर से, 6 बजे से निकले। गिरना चाहिए था, मजा था। मला नाही उडी मारा जी, मला पण नाही मारा जी, पाय भिजले तर आधी तरी सक्स मध्ये पाणी शिरलंय। दोस्तों नजर है देखो, एकदम मस्त। वो देखो वाटरफॉल ही वाटरफॉल है, बहुत सारे, मतलब काउंट नहीं कर सकते इतने, अनगिनत। अभी कैमरा में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो लग रहा है इसके वजह से नहीं आ रहे रहेंगे, फॉग के वजह से, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का आपको। देखो अगर लवंडेला आता समय, ये देखो अभी प्रॉपर सारे के सारे वाटरफॉल दिख रहे। वाटर क्रॉसिंग आया एक छोटा सा, आवाज सुनो दोस्तों। मस्त एकदम बारिश हो रही है, देख रहे गेट है ऊपर जाने के लिए, और आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो काम पच्चीस हो गए। अभी असली ट्रैक चालू है दोस्तों, देखो इंक्लाइन देखो कैसे, अभी बस ऐसे ही है कंटिन्यू आधे एक घंटे के लिए। खुद के बैग का वजन कम हो इसलिए खुद के बैग में कई बॉटल निकाले, जबकि इसके पास 2 लीटर है, उसके पास 2 है, इसके पास 2 है, अच्छा नहीं बोल रही, इसके पास भी 2 है और मेरे पास भी 2 है। बंद करूं थे वरती लागेल, हाँ सर और एक बार ऊपर लगेगा, नीचे बंद करके रखो। पहुंच गए क्या? वो गन्ने की पेटी पड़ गई उधर ही, अभी उसका थड़का बांध लेंगे उधर। जिसको ट्रैक करना है उसी की पेटी पड़ी है। सब लोग इधर आके 5 मिनट हो गए, 10 मिनट बाद ये आया है। बिस्कुट बिस्कुट कुछ नहीं, सीधा सब मिलेगा, ऊपर मिलेगा, चक्कर आ रहा है। और ये खुद को हाड़ा सा ट्रेकर वाला शर्ट पहन के लगता है क्या हाड़ा सा ट्रेकर? डायरेक्ट जाती है। 4 वड़ा पाव खाने के बाद भी विनोद बिस्किट खाए जा रहे, ठूसे जा रहे, बस ट्रैक करने के लिए आए और इधर मुझसे ठूसे जा रहे, मेरे को नहीं चाहिए, हाइड एंड सीख खा रहे ये। और सबसे ज़्यादा तो ये भेंडाड़ा है, ये मुदी का तेरा, मुदी का साले कुतरे है तेरा, नहीं इसका इसका अल्लाह हरामी गई का। और रेंज ट्रैक करना है इसको,
जा रहे हैं, बारिश भी तेज़ हो गई है, पसीने भी मस्त निकल रहे। कितना सा छोटू सा रास्ता, ये देखो हालत ख़राब हो गई है। यहाँ पे पूरा सेफ्टी गियर वगैरह सब लगा के रखा है, ये देखो फिलहाल कोई नहीं है यहाँ पर, हो सकता है आगे कोई रैपलिंग वगैरह रहेगी। फुल एकदम प्राण जल्दी सटक सटक के चढ़ रहे हैं, वही तो देख रहा, अभी उतरते वक्त डायरेक्ट कूद जाने का नीचे। दोस्तों फाइनली पहुंच गए, इतनी मशक्कत करने के बाद पहुंच गए, देखो झरना देखो। मेन अट्रैक्शन तो ये है, यहाँ से ऊपर है गणपति जी का मंदिर, गणपति बाप्पा मोरिया, जय बाप्पा, साष्टांग दंडवत डाल उधर। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। गणेश जी क्या बना रहे हैं बताइए, आपको क्या चाहिए? ये चाहिए कि चाय? हमको तो कॉफी चाहिए, ब्यूटेन लेके आए दोस्तों। फाइनली कॉफी बन चुकी है, ये जो मक्का है ना उल्टा पूरा आम गए, फिर भी हम इसको उबाल के काम करेंगे, पानी में उबाल के हम लोग इसको दबाएंगे। विपुल ने इसमें मैगी का मसाला डाला, जलजीरा डाला, और ये भाई ने उसके ऊपर नींबू निचोड़ दिया, पूरा वाट लगा दिया, वो मुंह टेढ़ा करके भाग गया इधर। अब ये दूध का क्या डाल रहा है, पाउडर डाल रहा है? दूध का क्या डाल रहा है? दूध का क्या डाल रहा है? पाउडर डाल रहा है। A few moments later. दोस्तों अभी मस्त टाइम पास करके 1.5 घंटा अभी निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पे आगे रुके। तुम एक बार चलो। ये देखो, देख रहे हो ऊपर, ये पानी पूरा ऐसा बह के नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी गणेश जी जाएंगे 5 सर्कल का नया। दोस्तों समीर जी ने केकड़ा पकड़ा है, ये देखो पकड़ ही रहेगा, देख रहे हो, ये देखो मांस है। तू मेले या फीमेल है थोड़ा बताना। मेले कैसा ये ना छोटा वाला है का ये पोट 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 मोटा असतो, हे जो पोटा है ना हे छोटा असलो ना तर मेल, आणि हे मोठा असतो हे जमा हे साइज आहे ही पोट तेवढा पिल्ला असतो, तर ते ही असतो फीमेल असतो, फीमेल असतो तर पिल्ले राहतात। अच्छा दे दे सोडून दे सोडून दे। दोस्तों पहुंच गए नीचे फाइनली, जहाँ से चालू किया था। आपका एक्सपीरियंस बताइए, एक्सपीरियंस बताइए ट्रैक का कैसा था? कौन सा ट्रैकिंग? अच्छा ट्रैकिंग ट्रैकिंग बहुत ही बढ़िया था, और आपकी जो बक्सोदिया जो कंटिन्यू चालू थी, और जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसके बारे में कुछ बोलना है? ओ देखो जो ऑर्गेनाइज किया था वो हर बार ऐसे ऑर्गेनाइज करता है, हमको भटकाता है, और फिर यहाँ पे लाने के बाद बोलते हैं, जब वहाँ पे रहते हैं तो बोलते हैं कि हम तुम्हारा सब अरेंजमेंट करेंगे, तुम हमारे साथ चलो, और फिर रास्ते भर ऐसे चलो लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा वैसा ऐसा, और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर बोलते हैं कि चलो गाइड कर लेते हैं ना, रुक जा तेरे तेरे ऊपर भी आएगा। जो आदमी तेरा हो गया, विपुल जी आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो सुबह मतलब टिकटॉक नहीं बन रहा है जल्दी बोल, लेकिन फिर बाद में इधर पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि क्यों झकमारी यहाँ आने के बाद, क्योंकि हमारा ट्रैक शुरू हुआ 2 बजे, तो ऐसा लगा कि 2 बजे के बाद हम ट्रैक करने के बाद नीचे कब उतरेंगे कब निकलेंगे, यहाँ से अभी सुबह जाने का है वासी बाबा, जल्दी कर, 120 किलोमीटर हमें सफर तय करके जाना है और रास्ता बहुत लंबा है, और अरे तू लोग इतने ही बोल के मैं अपना भाषण खत्म कर देता हूं। और जो ये ट्रैक ऑर्गेनाइज कर रहा है वो बंदा अच्छा है, ए देखिए ये होता है अपना अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो बॉटल फेंक देता है, कभी कभी वो रास्ता भुला देता है। मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ फीडबैक देने की जरूरत नहीं, हमारे जो सावंगड़ी थे उनकी तरफ से तो आपको पता ही चला होगा कि मैं किस तरफ का ट्रैक लीडर हूँ,
तो चलिए आगे निकलिए समय तो सर आपका एक्सपीरियंस खूब छान होता है ना बस एवढंच अभी तू बता परत नाही यार अच्छा एक्सपीरियंस था ये दुसरा ट्रिक है ना फुटाने संभाळलं नशीब चाली परी झालं अरे भाई मैं कुछ शर्मा का ट्रिक लीडर था मैं याद है ना इन्होंने अच्छे से गाइड किया फिर भी इन्होंने एक और गाइड किया अपनी ये गाइड को भी गाइड की जरूरत पड़ी तो ये थोड़ा ये घटिया गाइडर है और आपको बोला ये खाने के लाए गए तुम तो नालायक थे नालायक बोल दिया तेरे को सो प्लीज सबर कराए सर आई वांट टू रीच 1 मिलियन जो गिरता है वही उठता है और गिरकर उठने लोग बाजीगर के